बुद्ध ने कहा पांच चीजें छोड़ दो, चार उन्होंने कहा, एक मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा चार चीजें छोड़ दो और ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ध्यान लगना मतलब मन तुम्हारे कब्जे में आना शुरू हो जाएगा। दूसरे के मन में एक ऐसी चीज है जो लोगों को बेचैन रखती है, ये मन को भटकाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो, लोग हंसेंगे। हम हार जाएंगे तो लोग हंसेंगे, क्यों ना हंसे? आप जीत जाओगे तो सजदा भी तो करेंगे। समय तुमको काट रहा है हर पल, तुम क्या समय को काटोगे? समय काटते समय मैंने बड़े सारे सर ये गलतियां तो मैंने भी की हैं सर, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा सर, आज मैं इस मंच पे बोलूंगा कि मैंने किया है सर। लेकिन कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा समझदार है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। हम इलाहाबाद में थे, हमारे मित्र थे, मैं उन सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन एक का लूंगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में लॉयर है और वो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है वो करे मेरे ऊपर। हम 7 साल एक साथ रहे, बड़ा अच्छा याराना है हमारा, और वो है माननीय अधिवक्ता हाईकोर्ट ज्ञानेंद्र प्रसाद महंत जी, नौराबाद में रहते हैं इलाहाबाद में। और हम खेलते थे दहला पकड़, डबल दहला डबल हाथ, कार्ड्स खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। अब तो खैर YouTube पे ऐसी ऐसी सीरीज मैंने देखी है, ऐसी ऐसी सीरीज और उसके व्यूज देखे मैंने। भाभी ने देवर को किया गुमराह, कितना व्यू? 88 लाख, 88 लाख एक महीने में। समय को तुम कैसे काटते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भैया राजेंद्र नगर में 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हो, तो पटियाला की डीएम है अभी लेडी, 22 साल की लड़की है, सैफिन आया था दिल्ली 22 साल, उसके सामने इसी राजेंद्र नगर में 28 साल के भी लड़के थे, 30 साल के भी लड़के थे। सबके जीवन में परिस्थितियां अलग हैं, जो तुम्हें 10 घंटा पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है वो हो सकता है किताब में नॉवल रख के पढ़ रहा हो, काली घाटी की चुड़ैल वेद प्रकाश वर्मा। तुम जब भी उसे कमरे के सामने से गुजर रहे हो तुम देख रहे हो कि बैठा पढ़ रहा है, तुमको टेंशन होती है कि यार कितना पढ़ता है यार ये। तुम किसी कमरे में जाते हो, पता लगा भैया है 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6,000 किताब रखे हैं, आता किसी को कुछ ना हो। सर मैंने हजारों लोगों से बड़े छोटे छोटे सवाल किए जब वो मुझसे मिलने आए, काउंसलिंग करने आए, मैं तो छोटे सवाल करता हूँ सर। सुल्तान और बादशाह में अंतर बता दूं, हैं? सुल्तान और बादशाह में अंतर, अगर आप में से कभी कोई मुझसे काउंसलिंग करने आया होगा, मैंने कभी किसी से बड़ी बात नहीं पूछी, बहुत छोटी। ये चार चीज ध्यान में रख लो और तुम्हारा मन इतना शांत हो जाएगा, करके देखो कोई बड़ा नहीं है। शिक्षा जो है वो सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर, इस देश में सफलता का पैमाना क्या है? अरे इनका लड़का डॉक्टर हो गया, तुम पता नहीं क्या पढ़ते हो। अरे हो गया माता जी, बहुत अच्छा है पढ़ने में। अरे इनसो की आदत है दूसरे के बच्चों से कंपेयर करना।